तो सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि सलमान भाई ने आपको ब्रेक दिया था और कुछ दिन पहले ही अपने मूवी को प्रमोट करने उनके शो पे गए थे बिग बॉस हाउस में, सो उसका एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, सलमान भाई ने हमेशा नए टैलेंट को बहुत आगे लेके गए हैं। मैं एक सीरियल प्रोड्यूसर ही रह जाता अगर वो मुझे आगे नहीं लेके जाते। तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया और कई बातें, सलीम अंकल ने मुझे ये बात हमेशा कही है कि भाई आपको जब प्लेटफॉर्म मिला है तो आपको भी आगे लेके जाना चाहिए, और वही हम कोशिश करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कि भाई कोई भी आवाज़ अगर हमारे कॉम्पोजिशन को सूट कर रही है तो वो छोटी है बड़ी है वो ना सोचकर हम उन्हें आगे लेके जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक सुपरस्टार आवाज़ की अपने कॉम्पोजिशन की ज़रूरत है तो आप मत लीजिए। ऑफकोर्स उसको जब जिस कॉम्पोजिशन की जो डिमांड है, कभी कभी एक कॉम्पोजिशन की डिमांड होती है कि सुपरस्टार सिंगर ही चाहिए, तो लेना चाहिए, वहाँ न्यूकमर नहीं लेना चाहिए। और जिस कॉम्पोजिशन की डिमांड एक न्यूकमर है उसमें न्यूकमर लेना चाहिए, चाहे वो न्यूकमर कहीं से भी आता हो। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी क्रिएटिविटी ये डिफाइन करे कि आपका सिंगर कौन होगा। यही चीज़ मैंने उनसे सीखी है और यही चीज़ मैं बार बार अप्लाई करता हूँ, इसीलिए इतने नए लोगों को मौका दे सकता हूँ। और मेरी म्यूज़िक कंपनीज सारी भी मुझे सपोर्ट करती है, बिकॉज वो गाने को राइट नहीं होंगे तो गाना भी फ्लॉप हो जाएगा और उनकी करियर भी। गाने के लिए जो वो राइट होंगे उन्हीं को करेक्ट सिलेक्शन करके आपको वो गाना देना है जिससे वो आगे बढ़े, ताकि सबको फ़ायदा हो। हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए मैं बहुत बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द फिल्म। एक होता है कि आई एम पर्सनली हैप्पी विद द फिल्म एंड अभी 31st को जब आएगी पिक्चर तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को कितनी अच्छी लगती है फिल्म। एक लव स्टोरी बहुत टाइम से नहीं आई है, म्यूज़िक आप लोगों ने बहुत पॉपुलर कर दिया है, बट सिर्फ एक सुपरहिट म्यूज़िक या एक गुड लुकिंग फिल्म जो स्कॉटलैंड में शूट हुई है, बहुत स्टाइलिश फिल्म है, अच्छी दिखती है पिक्चर, सब अच्छे लग रहे हैं, वो नहीं है। बट एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है, खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं और कुछ लेके जाएंगे। एक स्मॉल टाउन से जो लड़की ही रंधावा की जो इट्स अ जर्नी इन टू वुमेंस हार्ट, यू नो, कैसे वो जिंदगी को अपने लाइफ पार्टनर को देखती है। और ज़्यादातर लड़के आजकल फ्रेंड जोन बहुत हो जाते हैं, तो देखते हैं कि भाई फ्रेंड जोन वाला लड़के के पास फाइनली ही रंधावा आती है, यानी हैप्पी सिंह के पास, या वो हार्डी के साथ जाती है जो सक्सेस है। बिकॉज ज़िंदगी में कई सवाल खड़े होते हैं कि प्यार ही शादी की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है या फिर प्यार के साथ सक्सेस भी। ज़्यादातर लोग कहते हैं सिर्फ प्यार से ही काम चल जाता है। आई होप हमारी पिक्चर का क्लाइमैक्स यही हो, लेट्स सी। सर, आप बिग बॉस हाउस में गए थे तो ये भी खबर आ रही है आपने बहुत लोगों को ब्रेक दिया है, सो बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट आसिम रियाज है, उनको भी आप ब्रेक देने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आसिम को मिला है, मैं तो अपना कुछ टास्क उनसे करवाने गया था, वो मैंने किया, अपनी पिक्चर प्रमोट की भाई के साथ, उसके बाद ऐसा ब्रेक की तो इस वक्त कोई बात नहीं है। थैंक यू।